हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में, जो कि इस वीडियो का काफी कमाल का अपडेट है। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटन सीजन 2 की कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में, जिस इमेजेस में हमें पता चलता है उनकी कॉस्ट्यूम कैसी होने वाली है। और टाइटन सीजन 2 की इस इमेजेस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फुल एचडी में, तो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं पैरामाउंट कंपनी ने नई मूवी अनाउंस करी जिसका नाम है माइक्रोनट्स। ये मूवी कॉमिक बुक पे आधारित होगी, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होगी और ये फ्यूचर में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, जैसा कि पैरामाउंट मूवी ने पहले ट्रांसफॉर्मर मूवी बनाई थी जो कि काफी कमाल की मूवी थी। अब माइक्रोनट्स का आने वाला फ्यूचर होगा। साथ ही साथ बात करते हैं जेके रोलिंग के बारे में, जो कि एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है फैंटास्टिक बीस्ट्स 3। ये इसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रही है, जो कि आने वाली फ्यूचर में काफी कमाल की मूवी होने वाली है। जस्टिस लीग की कोई एक बिहाइंड द सीन इमेजेस देखने को मिली है, जिसमें कि सारे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 5 सुपर हीरो हैं, साथ ही साथ एल्फ्रेड भी खड़े हैं। अब ये ऐसा कौन सा सीन था जो कि मूवी में नहीं था पर डिलीट कर दिया गया। जेम्स गन ने एक नई पोस्ट डाली है सुसाइड स्क्वाड कास्ट के साथ, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, जिसमें कि सारे मेन कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ स्पाइडरमैन के स्क्रीन राइटर काम कर रहे हैं इंडियाना जोन्स 5 में, तो इससे ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि आने वाली फ्यूचर इंडियाना जोन्स 5 कंफर्म हो जाती है। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में। तो आपको याद होगा टेरेंस हार्वर्ड, जो कि आयरन मैन मूवी में वॉर मशीन का रोल प्ले करते थे, उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिए परमानेंट। डिज्नी के एक आर्टिस्ट हैं जेसन, उन्होंने री इमेजिन कर फैंटास्टिक 4 का एक आर्टवर्क बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और काफ़ी कमाल का भी लग रहा है, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। साथ ही साथ जेंडा ने एमी अवार्ड में जा रही थी, तो फैंस ने उनसे पूछा कि आप कौन सा कॉस्ट्यूम पहनोगे, तो उन्होंने स्टोरी पर डालकर थोड़ी सी हिंट दी कि वो बैटमैन विलेन पॉइजन का रोल प्ले करेंगी और उसका कॉस्ट्यूम भी करेंगी पहनेंगी, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और देन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा था। उसी के साथ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस देखने को मिले हैं, जो कि हैं एक आर्टवर्क। ये सीन मूवी में डिलीट कर दिए गए थे और एक अनयूज्ड आर्टवर्क है, जो कि हमें मूवी में कभी दिखाया भी नहीं गया, पर इस आर्टवर्क से कंफर्म हो जाता है कि पीटर पार्कर किसी एक बड़ी सी फैक्ट्री में गया या किसी बड़ी मशीन के अंदर गया, जहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा था और देन वहाँ पर पीटर पार्कर अपना सूट बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं लुक लाइक बिल्कुल एक स्पेसक्राफ्ट जैसा मैच होता है। साथ ही साथ आयरन मैन का भी कौन सा पार्ट आया ज़ॉम्बी वाला, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। और आपको बता दूं डिज्नी प्लस पे जितनी भी मार्वल की मूवी अपलोड होंगी वो उनमें डिलीट सीन भी इंक्लूडिंग करेंगे। जी हाँ, जितनी भी अब तक के डिलीट सीन होंगे। और रॉबर्ट पैटिसन का एक रूमर आया कि उन्होंने बैटमैन रोल के लिए 5 मिलियन लिए हैं। जी हाँ, ये कभी रूमर है, अमाउंट बढ़ भी और कम भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। साथ ही साथ मैली गेंट एक नया प्रोजेक्ट है जेम्स बॉन्ड का, जो कि हॉरर मूवी डायरेक्टर है, काफ़ी कमाल के डायरेक्टर है, अगर आपने उनकी कंजूरिंग यूनिवर्स देखी है। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में। तो डेविड हार्बर, जो कि कमाल के एक्टर है, उनकी एक्टिंग देख के तो मैं फिदा हो गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करा डायमेंशन से रिलेटिव और उन्होंने हिंट दी, और ये अपडेट जैसे ही आपको पता चलेगा आप हैरान होने वाले हो कि डेविड हार्बर जिंदा हैं और इस पोस्ट से वो पता चलता है। अब आप उनका खुद पोस्ट देखिए उनके अकाउंट पे जाकर। अब कुछ नए पोस्टर लॉन्च हुए, जिसमें कि हाउसफुल 4, जोकर, जो कि डॉल्बी सिनेमा ने लॉन्च करा है, जुमानजी का पोस्टर लॉन्च हुआ है। ये तीनों ही पोस्टर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे या ट्विटर अकाउंट पर। एरोवर्स एक ऑफिशियली फीमेल सुपर हीरो टीवी सीरीज बनाने वाला है, जो कि एक फीमेल होने वाला है, ऑफिशियली फीमेल, उसमें कोई भी मेल एक्टर देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ जॉरेस पार के तीनों कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं जॉरेस वर्ल्ड 3 में, जो कि हैं एलन, एली और लेन, जो कि आप तीनों इनको अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। टेजर फेस, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक विलेन था, उसका एक नया लुक लॉन्च हुआ है, जो कि कौन सा पार्ट में है। देन ये ऐसा पहले दिखने वाला था पर इसको डिलीट कर दिया गया। जेम्स गन ने आज के दिन भी एक और पोस्टर डाला है सुसाइड स्क्वाड कास्ट के साथ, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।